के दौरान किसी किसान की नहीं हुई मौत, केंद्र का लोकसभा में जवाब। तेरह दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सिंघू बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की आज होने वाली बैठक रद्द। संसद भवन के कमरा नंबर 59 में लगी आग। अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे से पहले झांसी में फाड़ी गई समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा की होर्डिंग। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मैनपुरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक ऑडियो ने पूरे जिले में खलबली मचा दी है। ये ऑडियो सपा के पूर्व मंत्री आलोक शाक्य और सदर विधायक राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में दोनों ही फोन पर सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के भांजे और सपा एमएलसी को गालियां दे रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होते ही नेताओं की नींद उड़ गई है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बात हुई है दोनों में। केवल इतनी बात आपने कही, इसके अलावा कोई एक भी हम कह रहे हैं। जब वो हमसे सरप्पा कहता है, छिनट्टा कहता है, कुत्ता कहता है, तो हमने कुत्ता कही। कुत्ता धमकाने मिले एमएलसी बस। इसके अलावा एक शब्द भी कोई मतलब ही नहीं। यही तो है, आदमी बढ़ाए चढ़ाए के अपनी और रख दे। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में खत्म हुई। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों ने राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की व्यवस्था के साथ मंदिर परिसर में अग्निशमन की पूरी व्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों की टीम के साथ मंथन किया। एकड़ परिसर में अग्निशमन फायर फाइटिंग इसकी क्या व्यवस्था हो, उसके विशेषज्ञ लोग आए थे, उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है और उन्हें अधिग्रहित 70 एकड़ क्षेत्र का भ्रमण भी जितना संभव था कराया गया। एक बहुत बड़ा आज विषय चर्चा में लिया गया, फायर फाइटिंग अग्निशमन की परिस। लखीमपुर खीरी बजाज चीनी मिल ग्रुप ने किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर भीरा सहकारी गन्ना समिति में लगातार चौथे दिन भी किसानों ने प्रदर्शन जारी रखा। वहीं किसान नेता अमनदीप सिंह सिद्धू ने धरने पर बैठे किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा का सहयोगी और समर्थन का वादा देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में खंभारखेड़ा चीनी मिल को भी गन्ने की सप्लाई रोक दी जाएगी और वहां भी धरना किया जाएगा। हम लोग आज किसानों भाइयों का जो धरना का परसों से स्टार्ट किया, इनका हालचाल जानने आए हैं। आज भीरा में, अभी थोड़ी देर में पलियावे में हम लोग पहुंचने वाले हैं और कल परसों से गोला में भी स्टार्ट होने जा रहा है, खंभारखेड़ा में भी चालू होने जा रहा है प्रदर्शन। जब तक हम किसानों को पेमेंट नहीं मिलता है पिछले साल का, तब तक हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। देखिए, शासन की मंशा है कि किसानों का भुगतान समयबद्ध किया जाए। मिल प्रबंधन से कई बार वार्ता की गई, समझाया गया और प्रयास किए गए कि समय से भुगतान कर दिया जाए, बट मिल प्रबंधन ने कोई भुगतान नहीं किया है, इसलिए मिल प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। आगरा में बीते दिनों अधिवक्ता के पिता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद मृतक के बेटे ने कई अधिवक्ताओं समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अधिवक्ताओं को नामजद करने में अभी अधिवक्ता 2 गुट में बट गए हैं। कुछ अधिवक्ता मृतक परिवार के साथ है। बता दें कि गलत तरीके से अधिवक्ताओं को नामजद किए जाने के विरोध में 2 दिन से अधिवक्ता आगरा दीवानी के गेट पर अनशन पर बैठ गए हैं। महिला अधिवक्ता हेमलता यादव का कहना है कि हम लोग भी आरोपियों पर कार्यवाही चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो शाहगंज थाना क्षेत्र में हत्याकांड हुआ था, उसमें जो दोषी लोग हैं
उनको अधिकतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई हो चुकी है और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनका नाम लिखा दिया गया FIR में। इतने लंबे चौड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया, तो हम आशा करते हैं कि न्यायपालिका से, पुलिस प्रशासन से, कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनके नाम हटाए जाएं और जिससे कि वो अपने सुचारू रूप से दीवानी में परिसर में जो काम कर उसमें हमारे अधिवक्ता साथी भी हैं अपने न्याय कार्य को निरंतर रूप से जारी रख सकें और उनको भी उनकी जो न्यायपालिका से ही घर का रोजी रोटी चल रही है अपना उसको निरंतर रूप से जारी रख सकें। हमारी बहन मुझसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, 48 घंटे हो चुके हैं और मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि लगातार मैं बैठ सकूँ, भूखे पैसे रह सकूँ, और मुझे लगता नहीं है कि कोई अधिकारी आएगा क्योंकि मेरे पास भीड़ नहीं है इसलिए कोई नहीं आएगा। मैं अकेली बैठी हुई यहाँ पे, बस अकेले बैठी हूँ, कोई नहीं आ रहा। जब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते, मतलब इतना बड़ा भूमाफिया है कि पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। अब ये देखो ना, ये लोग हमें झूठे पे झूठा फंसाए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अब के मतलब ये लोग रैकी भी कर रहे हैं मेरे घर की, कुछ लोग हैं इन्हीं में से, तो मतलब क्या। आजमगढ़ में हाथरस की बेटी मनीषा की साल भर पहले बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उस बेटी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की बेटियों सुरक्षित नहीं है, उनका रास्ते में चलना दूभर हो गया है और कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हाथरस में मनीषी वाल्मीकि दलित लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या दबंगों ने कर दिया था और सरकार के इशारे पर प्रशासन ने रात में ही उसका शव जलवा दिया, उनके परिजनों को नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि उस महिला का वह बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद हत्या हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता श्रद्धांजलि दी है मनीषा को, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। आपको बता दें कि सपाइयों ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है और योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका रास्ते में चलना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। तो कानून व्यवस्था के बद से बदतर होने का इल्जाम सरकार पर लगाया जा रहा है, सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि एक साल पूरा हो गया है हाथरस कांड को, जहां बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी हाथरस की बेटी की, सपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया इस मौके पर और बेटी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है। और इस दौरान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनका रास्ते में चलना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं सपाइयों ने। फरीदाबाद में 10 साल पुराने पेट्रोल और 15 साल पुराने डीजल के वाहनों पर पाबंदी लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले बड़े वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने अपना अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने सोहना रोड वल्लभगढ़ स्थित संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के सामने प्रदूषण फैला रहे वाहनों के चालान काटे और पुराने वाहनों को जब्त भी कर लिया। जब्त किए गए वाहनों की कुल संख्या 30 बताई जा रही है। सर ऐसा है, ये चालान हो रहे हैं जो एक तो NGTC के तहत 10 साल डीजल पेट्रोल 15 साल इनके चालान किए जा रहे हैं, एक पोल्यूशन के जिन ट्रैक्टर ट्रॉले ट्रक डंपर जिन पर तिरपालें हैं उनका चालान किए जा रहे हैं और एक अभियान जो अब धुंध शुरू हुई है जिनमें गाड़ियों में रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं जिससे कोई एक्सीडेंट। हमीरपुर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपना नाम बदलकर पहले तो नाबालिग लड़की को प्रेम में फंसा लिया, फिर बहला फुसला कर उसको अपने साथ भगा कर ले गया। भगाने के बाद युवक ने युवती से शादी की, शादी के बाद युवक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हुए जबरन मांसाहार खाना खिलाने की कोशिश की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। इस दौरान युवती को पता चला कि उसको बेचने की कोशिश की जा रही है और आरोपी युवक पहले से 3 शादियां कर चुका है, जिसके बाद मौका मिलते ही युवती उसके चंगुल से भाग निकली और अब हमीरपुर पहुंचकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।
साथ में झूठ बोल के मेरे से शादी किया, वो मुस्लिम है, बोला मैं कि राजेश यादव हूँ, रोन नंबर से बात हुई हम लोग की, दो दिन बात हुई, तो उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दी मोबाइल, मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद चार दिन की मोबाइल चार्जिंग करने के बाद फिर पहला फुसला के मुझे लखनऊ तक बुला के लेके गया, लखनऊ से मैं अकेले गई, लखनऊ से उधर से लेके गया मुझे, और फिर उधर पे मुझे गया बलरामपुर जिला पे अपनी साली के पास लेके गया, उधर मुझसे झूठ बोल के शादी किया कि मैं राजेश यादव हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसके तीन शादी हो चुके थे पहले से, एक लड़की भी थी, मुझे नहीं मालूम था, बच्चा हो गया मुझे तब मालूम चला कि हाँ उसकी लड़की भी है, आज तीन शादी की है, और फिर मुझे इधर से लेके गया, मारता पीटता था, गाली देता था, मांस वगैरह खाने के लिए बोलता था मुस्लिम हो जा, मुस्लिम के हर रिवाज बोलने करने के लिए बोलता था, मुझे नहीं करते थे उसके लिए मुझे मारता था। मौदहा कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि चार वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था, इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मजगई चौकी प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने सराहनीय कदम उठाते हुए सरस्वती शिशु मंदिर केन ग्रोवर विद्यालय अब्दुल कलाम विद्यालय समेत कई स्कूलों में पहुंचकर शिकायत पेटियां लगवाई हैं। ये यहां पर छात्राएं अपनी समस्याओं को एक पत्र में लिखकर शिकायत पेटी में डालेंगी, जिसकी जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि ये शिकायत पेटिका छात्राओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगवाई गई है। मैनपुरी में दिव्यांग खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने भाग लिया, इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर कौशल कुमार जागीर ने मां सरस्वती के चित्र पर फूलमाला पहनाकर और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शारीरिक मानसिक मूक बधिर दृष्टिहीन बच्चों ने खेलों में अपना दमखम दिखाया, सरकार विकलांग बच्चों के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, इस प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों ने अपने हौसलों से दिखा दिया है कि अगर मौका मिले तो वो सामान्य लोगों से आगे निकल सकते हैं। मैनपुरी में तीन दिन पहले लापता हुए गल्ला व्यापारी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर पुलिस की कार्यशैली से नाराज गल्ला व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर मंडी गेट पर प्रदर्शन किया। व्यापारी रविवार शाम से लापता है, व्यापारियों से तगादा करने के बाद वो बेवर से अपने घर लौट रहा था, जिसके बाद देर शाम उसकी बाइक बेवर थाना क्षेत्र में एक संपर्क मार्ग पर खड़ी मिली थी। परिजनों ने रात में ही पुलिस को व्यापारी के लापता होने की सूचना दे दी थी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 92 पर जाम लगा दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं हम लोगों को सिर्फ सच्चाई चाहिए, हमारा आदमी व्यापारी लौट के हमारा मिल जाए आ जाए, और बाकी किसान लोग परेशान है, मंडी को बंद रखने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो हमारा आदमी कल पकड़ हुई है उसका पता चले और वो यहाँ मिले आ जाए, प्रशासन एक्टिव होके काम करे और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के से आपको संतोष? पुलिस कार्रवाई कल संतुष्ट नहीं है और अभी तक कोई पता नहीं चला है, तो अभी आप क्या चाहते हैं थोड़ा बता दें? हमारा आदमी मिलना चाहिए और उसका पता चले, जो भी जहाँ भी हो जैसे भी हो उसका पता चले और हम लोग आए और बाकी हम मंडी खोलेंगे। अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो फरुखाबाद में अपनी मांगों को लेकर NHM संविदा कर्मियों ने CMO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर गौरव वर्मा और जिला महामंत्री नरेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में CMO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री ने बताया कि सरकार को संविदा कर्मचारियों के कोरोना में किए गए परिश्रम की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जिससे पहले भी प्रदेश कार्यकारिणी ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मिशन निर्देशक का घेराव किया था, जिसके बाद ये आश्वासन दिया गया था कि इन मामलों पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। हम लोगों की विगत कई दिनों से 7 सूत्री मांगों का आंदोलन चल रहा है, जो कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा बार बार आश्वासन देने पर पूरी नहीं की जा रही। कई बार मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही वार्ता हुई, लेकिन उनके द्वारा केवल वार्ता ही प्राप्त होती है, कभी भी कोई कार्रवाई उस पर अमल नहीं की जाती है। जिसी के क्रम में प्रदेश आह्वान पर 10 तारीख से हमारा जो है
एक आंदोलन का एक प्रारूप बनाकर आंदोलन की प्रक्रिया चालू हुई, जिसमें 10 तारीख से 11, 12 तारीख तक जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देकर और 25 तारीख से फीता बांधकर हम लोगों ने कार्य किया। 26 तारीख से समस्त जनपदों में एक घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ। 27 तारीख को हम लोगों ने थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और 29 तारीख को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मिलने के लिए मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लखनऊ में हम लोगों ने उनका घेराव किया, जिसमें कि हमारी वार्ता सफल नहीं हो पाई। उसी के क्रम में 30 तारीख से हम लोगों ने सामूहिक अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है, जो कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती है अनिश्चितकाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर आज महोबा पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पुलिस लाइन में जनसभा को संबोधित करेंगे। महोबा में रात्रि विश्राम के साथ अखिलेश सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान हमारे संवाददाता ने तैयारियों की जानकारी लेते हुए सपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव से खास बातचीत किया। यह आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा। में विजय रथ यात्रा लेकर आ रहे हैं और बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव निकले हैं। आज महोबा इस पुलिस लाइन ग्राउंड में अखिलेश यादव एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद महोबा में रात्रि विश्राम करेंगे। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करते हुए जानते हैं आखिर क्या तैयारियाँ हैं। आज अखिलेश जी आ रहे हैं रथ यात्रा लेकर, क्या लगता है कितनी भीड़ आ पाएगी? आज माननीय हमारे नेता समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में आज आगमन हो रहा है और आज आगमन का जो उनका एक संदेश जाना है, एक मैसेज जाना है, लोग आतुर हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। एक जो तमाम इस तरह के जो कार्यक्रम हुए थे, राजनीतिक जो कार्यक्रम हुए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम सभी के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ पे रैली हुई थी उस बीते दिनों, प्रियंका गांधी की भी रैली, क्या लगता है उनसे बेहतर रैली हो पाएगी? उनसे कई गुना भीड़ हम लोगों की आज आने जा रही है अपने नेता के स्वागत के लिए। अच्छा, तो बुंदेलखंड इस बार सपा के साथ जाएगा? बुंदेलखंड में इस बार 19 की 19 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं कि भरोसा और विश्वास अगर किसी पे है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी पर है। उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया और बुंदेलखंड में जो भी हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है, इसलिए भरोसा और विश्वास केवल माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सपा नेता पुष्पेंद्र यादव जी, जिनसे हमने बात की। और आज अखिलेश यादव 2 बजे महोबा पहुंचेंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके रात्रि विश्राम महोबा करने के बाद कल अखिलेश यादव ललितपुर के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।